हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जामिनेशन और कह सकते हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट का भी 3/2019 और 1/2019 का कोरिजेंडम 7 आ चुका है मिनिस्ट्रियल का। और जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, जब इसका कोरिजेंडम आता है तो एनटीपीसी का भी आता है, तो कितना बढ़ेगा डेट, कब होगा इसी एग्ज़ाम का प्रोसेस और कितनी लगेगी, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। लेकिन एक ही चीज़ लगता है कि जब कोरिजेंडम 6 जारी हुआ था तो मुझे खुशी हुई थी कि इन्होंने लिखा है कि हमारा जो प्री बीड क्लियरिफिकेशन है एग्ज़ाम से पहले, आपका बीड से पहले की जो हमें जवाबदेही देनी थी उसकी प्रोसेस करा ली गई थी, तो फिर कोरिजेंडम 7 क्यों जारी हुआ। तो पहले वेबसाइट पे देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट आरआरबी अजमेर आ चुका है, जिसमें 9/7 आज ही का डेट है, कोरिजेंडम 7/4 ई टेंडरिंग फॉर आरआरबी ऑल टेंडर सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 3/19 मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा इस नोटिस की साइज तो छोटी हो गई है। पहली साइज छोटी हो गई है क्या, नीचे वाले जो पैराग्राफ आते थे उस पैराग्राफ में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आ गई है, जिनमें एक चीज़ बोला है कि आगे का हमें क्या करना है, रिवीजन और अपडेट वगैरह वगैरह का डिटेल में दो चीज़ कह दिया है कि कह रहा है कि दी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर एंड डेट ऑफ ओपनिंग एंड टेक्निकल बिड हेयर बार रिवाइज फर्दर अंडर। लास्ट डेट कब का है तो 13/8/20 का, पहले कितना था तो 27/7/2020 का, यानी कह दे डायरेक्ट 15 दिन लगभग बढ़ गया है। हर बार एक महीने के आसपास बढ़ा था, पिछली बार 1.5 महीने बढ़ा था और इस बार 15 दिन बढ़ा है। तो अब ये क्यों बढ़ा है, ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड का भी और टेंडर का ऑनलाइन सबमिशन का भी, दोनों का 13 तक बढ़ा दिया गया है, जो एक अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड तो हमें लग रहा था कि अगला प्रोसेस आएगा, लेकिन यहाँ पर डिले हो रहा है। कुछ कहेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में भी कुछ लोग कल ही पूछे थे कि आपने तो बोला था 15 दिन से आगे 1-1.5 महीने तक आ सकती है, तो दोस्त कोई ज़रूरी नहीं है ना, 15 दिन या 1.5 महीने भी हो सकता है। तो दोनों बातों को सुनिए, समझिए सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड ये नहीं कहिएगा कि मैं अंदर का बात जाना हूँ, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान में एक है, जब टेंडर की जो पहले क्वायरी किए होगा, किसी ने बोला होगा कि अब हमारे पास जो क्वायरी है तो आप 27/7 का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा कम है, हो सकता है बढ़ा दें, तो हो सकता है इसके कारण से भी ये डेट बढ़ा होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आरआरबी की प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसको भी आगे बढ़ा दिए होंगे, या जो बीड अप्लाई करने वाले होंगे वो कम होंगे, जिसके कारण से भी ये कर सकते हैं। दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ना मैं इधर की बात बोल रहा हूँ ना उधर की, एक अनुमान की बात बोल रहा हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, हम उम्मीद में थे 27 की आपका मिनिस्ट्रियल का और 28/8/7 का हमारा एनटीपीसी का टेंडर ओपन हो जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड। देखिए अभी भी बहुत डिले नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद के अनुसार सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।